अजमेर में सरादना बांगल ग्राम के पास मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई है। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटने की कोशिश की गई। फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। करीब 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े बिखर गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में दर्ज कराई है। मांगलियावास थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर आएंगी, उनको भी सूचित कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 दिखा रहा है। पहली तस्वीर रात की अंधेरे की 10:30 से 11 बजे का वक्त रहा होगा, जब यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दूसरी तस्वीर जहां पर देखिए, यही मेलगाड़ी जो मालगाड़ी है वो टकराई है। बड़े बड़े 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक जिनसे टकराई मालगाड़ी। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, माना यह जाए कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी बड़े खुलासे होंगे, अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है, जहां पर हादसा हुआ था उस पॉइंट पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे वही ट्रैक है जो फुलेरा से अहमदाबाद, इसी ट्रैक पर जो है ये हादसा हुआ था। और अब जो है इसमें जांच एजेंसियां भी जुटी है, साथ साथ जो आरपीएफ की टीम है वो भी यहां पर आ गई है। और आपको बताएं, सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वही ब्लॉक है जिसको उठाकर जो है ट्रैक पर डाला गया था। इसी तरह का दूसरा ब्लॉक जो आपको दिखाऊंगा मैं, दूसरे साइड में मौजूद है, ये वो ब्लॉक है जिस तरह का ब्लॉक उधर रखा हुआ था। और इस तरह ये जो ब्लॉक है इसको जो है ट्रैक पर डालने का यहां पर प्रयास किया गया, ट्रैक पर रखा गया था। और ऐसे ही जो ब्लॉक है वो एक जगह नहीं, दो जगह रखे गए थे। और ट्रेनें लगातार यहां पर आ रही है, ऐसे में हम ट्रैक के दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे लगातार यहां से डीएफसीसी की जो ट्रेनें हैं वो गुजरती है। और हादसा ना हो इसे लेकर भी लगातार समझाइश की जा रही है। अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो ट्रेन है, ये मालवाहक जो गाड़ियां हैं डीएफसीसी कॉरिडोर से निकलती है। और इसी दौरान जब रात्रि में 10:30 के आसपास रविवार को ये जब ट्रेन इस तरह से स्पीड से गुजर रही थी, और उसी दौरान जब ब्लॉक यहां कर बीच में रखा, तो उस दौरान यह हादसा हुआ था। आप देखेंगे कितनी स्पीड से ये ट्रेन जाती है। अगर इस दौरान अगर ट्रैक जो है वो अगर पटरी से उतर जाती ट्रेन, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये किस इरादे से, किस मकसद से इसको किया गया है, ये अभी केवल एफआईआर दर्ज की गई है, जांच जो है यहाँ पर शुरू की गई है। अब आरपीएफ की टीम जो है वो अभी यहाँ पर पहुंच गई है, और देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि क्या स्थिति जब यहाँ पर बनी होगी। आपको मैं टुकड़े यहाँ पर जो है दिखाना चाहूंगा, कुछ आगे जाकर जो है वो टुकड़े जहाँ जो ब्लॉक रखे थे, उस ब्लॉक के जो टुकड़े हैं वो 1 किलोमीटर तक जो है नीचे गए थे, आगे गए थे। और यहां से जब बछीट पड़ी तो आपको दिखाऊंगा, ये वो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे इनके। और इसी प्रकार के टुकड़े जो हैं इस पूरे ट्रैक पर जो है पड़े हुए मिले बताए जा रहे हैं। और आपको बताऊं, बहुत भारी, मतलब 70 किलो कट गया होनी। बिल्कुल, यहां पर तस्वीरें आपके सामने है ग्राउंड जीरो पर। अशोक हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, अपडेट देते हुए, वो टुकड़े भी दिखा रहे हैं जो बिखर गए ट्रैक के आसपास। 270 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक जिनसे टकराते हुए मालगाड़ी आगे निकल गई। डिरेल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता वहां से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इस बहुत बड़ी साजिश का गुनहगार कौन है, बहुत बड़ा सवाल। रेलवे ट्रैक पर इतना बड़ा पत्थर कहां से आया, मकसद क्या था, कौन है इसके पीछे, ये तमाम सवाल जिसके जानने की कोशिश, जिसके तह तक जाने की कोशिश आरपीएफ की टीम करेगी। चूंकि अब ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं, उनको भी जानकारी दे दी गई है, यानी कि वो भी अब जांच पड़ताल को वो आगे बढ़ाएंगी। अशोक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, कुछ ऐसी तस्वीर कानपुर से भी सामने आई थी 2 दिन पहले ही, वहां पर भी बड़ी साजिश का पर्दाफाश आईएसआई की तरफ से हुआ था, आईएसआई का उसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था। क्या यह माना जाए कि यहां पर भी बहुत बड़ी साजिश थी?
जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कितनी बड़ी साजिश थी या फिर कोई शरारती तत्वों का काम है या फिर इसमें कोई गैंग सक्रिय है जो लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम देने आई थी। मैं आपको ट्रैक पर सीधा लेके आया था, न्यूज 18 की टीम ट्रैक पर पहुंची है जहां पर ये हादसा जो घटित हुआ था, ये टुकड़े में बदल गए हैं अब जो है। बिल्कुल, ये टुकड़े हैं छोटे छोटे, आपको दिखाना चाहूंगा, ये टुकड़े हैं इसी तरह के लोहे के जो टुकड़े हैं जो इससे हादसे के बाद जो निकल के बाहर पड़े हैं, आपको दिखाऊंगा, ये जो लोहे के टुकड़े हैं वो हैं और इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग स्थानों पर जो पड़े हैं आप देखेंगे, बड़े बड़ा पत्थर जो है, मतलब 70 किलो के आसपास का जो ये पत्थर था उसका चकनाचूर हो गया जब ट्रेन यहां से गुजरी। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर हादसा अगर बड़ा होता तो फिर ट्रेन भी डिरेल होती और उसपे जो सामान है वो भी जो है नीचे गिर सकता था। साथ साथ अब उनकी मंशा क्या थी ये भी सोचने का विषय है। ये जो ट्रैक है वो यहाँ से फुलेरा से मालगाड़ी जो टकराई है इन 70 किलो वजनी सीमेंट से, अब इतना बड़ा 70 किलो का वजनी अगर सीमेंट का ब्लॉक है, वो भी एक नहीं दो है, तो जाहिर तौर पर अकेले अपने आप तो नहीं आ जाएगा या अकेला ये कोई कोई नहीं कर सकता, दो से तीन लोग लगे होंगे इसको ट्रैक पर रखने की। सवाल ये कि इधर उधर रख सकता, लेकिन पोजिशनिंग अगर ट्रैक पर है तो क्या ये माना जाए कि जानबूझकर ट्रैक पर इसे रखा गया था ताकि डीरेल हो मालगाड़ी या फिर जो भी यहां से गुजरने वाली गाड़ी हो? जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मालगाड़ी को डीरेल करने का यहां पर प्रयास किया गया हो। इसी के ध्यान में रखते हुए जो इस मुकदमे को दर्ज कराया गया है। अब जो है आरपीएफ की टीम यहां पर पहुंची है, वो व्यवस्था देख रही है कि ये जो ब्लॉक है, आपको दिखाना चाहूंगा, 03013 जो ब्लॉक रखा हुआ है एक साइड में, वैसा का वैसा ब्लॉक जो है इस साइड में भी रखा हुआ गया था और उसी ब्लॉक जो है वो नीचे यहां पर ट्रैक पर रखा गया था। और इसी प्रकार से उनको अब तक क्या कुछ जांच पड़ताल में सामने आया है, क्या उनको अब तक सबूत मिले हैं? जी बिल्कुल, उनसे बातचीत करने के यहाँ पर प्रयास करते हैं, क्या ये मंशा थी और किस कारण से जो है ब्लॉक, ये जो आपको ब्लॉक दिखाना चाह रहा हूं मैं, ये वो ब्लॉक है जो दूसरी साइड में भी रखा हुआ है, 013 नंबर जो है इसका, ऐसा ब्लॉक जो है वो दूसरी साइड में भी रखा हुआ था, वहां पर ये जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं, ऐसा का ऐसा ब्लॉक वहां रखा था, उस ब्लॉक को जो है उठाकर इस ट्रैक पर रखने की बात जो है यहां पर कही जा रही है। तो ये जो हादसा है वो इसके कारण से ही हुआ बताना जा रहा है। इसी का ऐसा ही एक जो ब्लॉक है वो आगे भी रखा गया है, करीब 2 किलोमीटर आगे उसको रखा गया है। तो इस तरह का एक कारण क्या है, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या सोच थी, ये तो जांच का विषय है और इसके लेकर जो है एजेंसियां भी अपना काम करेगी और आरपीएफ के साथ साथ जो यहां का स्थानीय मांगलीवास थाना पुलिस है वो भी इसे लेकर जो अपनी जांच में जुटेगा। लेकिन एक बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 बता रहा है कि किस तरह से ब्लॉक जो है वो रखा गया और ये जो ब्लॉक है एक आदमी इसको नहीं निकाल सकता, पहले इसको तोड़ा गया होगा, यहां से हटाने के लिए तोड़ा गया होगा और फिर इसे जो ट्रैक पे रखा गया, तो इसके पीछे क्या मकसद है, इसे लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर जो हैं जुटे हुए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं क्यों ये रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर आएंगी, क्या वो भी जांच पड़ताल तेज करेंगी या आरपीएफ अभी जांच कर रही है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और थाने की जो मांगलीवास थाना है उसको भी इतला की गई, कल मुकदमा दर्ज किया गया था, अब इनकी ओर से क्या आगे कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। जो चूरे हैं, जो ब्लॉक के चूरे हैं, उन्हें जो है जो यहाँ पे आए हुए आरपीएफ के अधिकारी हैं वो देख रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ वाला ब्लॉक है या फिर और कहीं से इसको लाया गया, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि पीछे मकसद क्या था, ट्रेन में अंदर जो सामान था उसे लूटने का था या फिर जो अंदर केवल डीरेल करने का था, ये तमाम चीजें जो हैं सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में ये जो सब चीजें हैं आप देखेंगे नीचे लोहे के जो टुकड़े हैं जो ब्लॉक में लगे गए थे लोहे के, उनको यहां पर चेक किया जा रहा है, उनसे उनको देखा जा रहा है कि क्या कारण रहे होंगे। अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर एक मिनट बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे आपको, लेकिन तस्वीरें यहाँ दिखाने चाहेंगे कि अधिकारी हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से जो है जहाँ पर आरपीएफ की टीम अधिकारी पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और ये जांच पड़ताल को तेज करते हुए सबूत जुटाने की कोशिश करते हुए, समझने की कोशिश करते हुए कि सीमेंट ब्लॉक रखने के पीछे आतंकी साजिश तो नहीं है, चूंकि आईएसआई का हाथ भी सामने आया था। कानपुर में एलपीजी का सिलेंडर को टकराते हुए एक्सप्रेस वहां से रवाना हो गई थी और ये माना गया
था कि एक बहुत बड़ी साजिश जिसको नाकाम कर दिया गया था। कुछ इसी तर्ज पर अजमेर की तस्वीर भी सामने आ रही है। वो तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 राजस्थान आपको पहुंचा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। आरपीएफ की टीम वहां पर पहुंची है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। मालगाड़ी में ऐसा क्या था जिसे पलटाने की चाहत रख रहे थे लोग? वो ऐसे असामाजिक तत्व, वो ऐसे बदमाश कौन है वो लोग, ये भी समझने की कोशिश की जा रही है। शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और ऐसे में अब मकसद को समझा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अशोक हमारे संवाददाता वहां से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अशोक ये बताइए, जो आपने दिखाया कि एक सीमेंट का जो ब्लॉक रखा गया था, जाहिर तौर पर उसमें कुछ साइन होते हैं, तो वो उसी ब्लॉक को तोड़कर दोनों जगह रख दिया गया था ट्रैक पर, या कहीं और से ये ब्लॉक लेके आया गया था, क्या बताया जा रहा है अब तक? जो साइन किया हुआ जो ब्लॉक है वो कलर हुआ हुआ नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो वो पतला नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ जो ब्लॉक पड़े हैं वो शायद या तो ट्रैक के जो नीचे लगता है वो है, या फिर अन्य कोई ब्लॉक है, ये अभी कहने पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक ब्लॉक वहां पर नजर नहीं आ रहा है, दूसरा ब्लॉक जो है वो दूसरी तरफ रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक कहां से आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। ये तो जो आरपीएफ है वो जो है जांच में जुटी है, लेकिन मकसद क्या था इसके पीछे, क्यों डीरेल करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था और क्या कारण इसके पीछे है, उसे लेकर जो है यहाँ पर जो टीम आई है आरपीएफ की, वो उच्च अधिकारियों को भी यहाँ पर जो है अपनी जो यहाँ की जो जांच की है, जो देखा है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ब्लॉक का जो हिस्सा है वो खाली हो गया है, जहां से उसको बाहर रखा गया है, दूसरी तरफ जो है ब्लॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की ये घटना क्यों की गई है, आसपास में जो गांव है, आसपास के जो इलाके हैं, आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा सुनसान इलाका है, कोई भी यहां मौजूद नहीं रहता है। ऐसे में ये इसके पीछे क्या मकसद है, ये अभी अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी साजिश, लेकिन कौन है गुनाहगार? और देखिए, दो दिन के अंदर दो ऐसी घटनाएं सामने आई है, कानपुर से लेकर अजमेर तक यही सिलसिला चल रहा है। डीरेल की करने की कोशिश के पीछे कौन है, ये समझने की कोशिश करेंगे, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।